कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप नए वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी। साड़ी में फॉल लगाने के लिए आंचल वाला भाग छोड़ के हमारा जो दूसरा किनारा होता है, हम उस वाले भाग में फॉल लगाते हैं। साड़ी है, मैं सीधा करके रखी हूँ, इसको उल्टे की तरफ से फॉल लगाना होता है। यहाँ 5 या 6 इंच छोड़ के हम फॉल लगाएंगे। अब मैं साड़ी उल्टा करके आपको फॉल रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाया जाता है। ये मैंने साड़ी को पलट करके रख लिया है। अब फॉल को पहले अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और 6 या 7 इंच की दूरी रख के हम यहाँ से फॉल लगाना शुरू करेंगे। यहाँ आप नीचे चाहे तो सुई से तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी मशीन से कर सकते हैं। मैं यहाँ सिलाई करूँगी, बहुत ही आसान तरीका है जो। तो चलिए शुरू करते हैं फॉल लगाना। ये मैंने नीचे सिलाई कर ली है फॉल की। अब हम इसको कच्चा करेंगे। कच्चा करने के लिए हम यहाँ से बड़ी सी सुई लेके इसमें धागा डाल लेंगे और यहाँ से कच्चा करते जाएंगे। कच्चा करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ना हमारी साड़ी सिकुड़ी हो बीच में और ना फॉल सिकुड़ा हो, और हम इसको पूरा आराम से ऐसे फैला फैला के लगाते जाएंगे। यहाँ से अब हम तुरपाई करेंगे और तुरपाई करने के लिए छोटी सुई का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम पूरे फॉल में तुरपन करते जाएंगे। ये हमने फॉल लगा लिया है। अब इसमें जो कच्चा वाला धागा है इसको पहले हम निकाल देंगे, और इसमें ये चीज़ ध्यान देना रहता है कि सिकुड़न कहीं ना आए। तो ये देखिए, सिकुड़न कहीं नहीं आया है, फॉल अच्छे से लग के तैयार हो गया है। इसी तरह से आप भी घर पे फॉल लगा सकती हैं साड़ी में। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।